बोले बेटा दादी कहाँ जा रहे हैं? बेटा किधर जा रहे हैं? हाँ बेटा कहाँ जा रहे हैं घूमने? नाना के पास। क्या लाइएगा नाना के यहाँ से? बूश लाइएगा। और से हेलो हेलो है हेलो ट्रेन में बेटा नीचे उतरिएगा। बेटा नीचे उतरिएगा। कहाँ जाइएगा फहीम? बेटा चोट लग जाएगा। चोट लग जाएगा वो। बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा नीचे नीचे उतार देंगे। नीचे नीचे उतार दे। नीचे उतार दे। नीचे देखिए हम लोग ट्रेन में हैं, कोलकाता की तरफ है। कोलकाता की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों ने फर्स्ट एसी बुक किया था। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एक तरह का केबिन है। ये रहा सीट। हमारा सोना बेटा सो रहा है अभी। फहीम बाबू पूरे रास्ते सोते आए हैं। पूरे रास्ते फहीम बाबू सोते आए हैं। और ये हमारी बेटा अले यार देखो ना कहाँ जा ले हो। अले फहीम बाबू उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। लाट बिठा दिया है लड़का। उठ जाइए फहीम। बिना खाइले पीले पूरा सफर तय कर लीजिए। तो फाइनली फहीम बाबू अपने नानी के घर आ चुका है। और आते आते देखिए पहले तो आया तो बहुत रोया बहुत रोया। किसी को पहचान ही नहीं रहा था। फिर धीरे 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 पापा के साथ अपने बैलून से पूरा नाना फहीम बाबू के नाना पूरे सजा दिए मैं थे बलून से पूरे रूम में। तो बलून के साथ खेल रहा था अपने पापा के साथ। उसके बाद से काफ़ी देर तक तो पलंग से बिछौने से नीचे ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे जाके तब जाके थोड़ा खेला है। उसके बाद से पापा के साथ नाना के साथ सबके साथ मस्ती कर रहा था बलून से। किसी को भी नहीं पहचाना। नानी के तो पास जा ही नहीं रहा। नानी को तो थोड़ा भी इसको डंटा यहाँ पे भी एक तो डंटा ले लिया है। यहाँ देखिए फहीम बाबू के पापा डांस कर रहे हैं। हम यहाँ पे म्यूट कर दिए हुए थे आवाज़ को, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से फहीम के पापा बम डिगी डिगी बम बम पे डांस कर रहे हैं। फहीम भी डांस कर रहा है पापा के साथ साथ। तो मैं यहाँ पर म्यूट कर दिए मैं। बहुत सारा बहुत मस्ती किया। आगे भी देखिए फहीम बाबू क्या मस्ती करता है। नाना को दे दीजिए। नाना को दे दीजिए। नाना को तीन पाँच छः फैम बाबू। नाना कहाँ है? नाना पापा कहाँ है? पापा फैम पापा
पापा कहाँ हैं? नाना कहाँ है? नाना नाना कहाँ है? नाना नाना कहाँ है? देखिए नाना बैलून फुला।